हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कन्वर्टर के बारे में बताऊँ। जैसे 220 वोल्ट से ट्रांसफार्मर से फुल डीसी कैसे निकलते हैं। जैसे डायोड तो लगा लेते हैं, सोचते हैं हम लोग कि फुल डीसी हो गया, ऐसा नहीं होता है। डायोड लगाने के बाद जो ब्रिज बनता है उसके बाद एसी जाता है ये अपना 12 वोल्ट। उसके बाद जो फिल्टर होता है इसको कंडेंसर लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रोटिक कंडेंसर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको लगाने से फुल फिल्टर होता है, तभी जैसे हमको कुछ लाइट जलाना है या जैसे मैं जितने सारे वीडियो में बनाया हूँ दोस्तों, जैसे एम्पली एम्पली है जो ऑडियो सर्किट है उसमें डीसी बहुत मेरे व्यूअर्स ने बोले हैं कि सर ये डीसी कैसे आया बनता है, कैसे बनाना है, तो उसको आज मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत तरीके से डीसी बता रहा हूँ दोस्तों मैं। जैसे आप लोग डायरेक्ट जैसे ये बनता नहीं है, ये जैसे एक पीएफ और एक रजिस्टेंस मैं दो बनाया हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं था जिसके लिए मान का, बड़ा मान का, इसलिए इसको बनाया। मैं बताऊँगा धीरे कैसे सब चीज़ को बताने वाला दोस्तों। जैसे ये जीरो ये है आपका 12 012 से कैसे बनता है डीसी, आपका फुल डीसी, ठीक है। और आपका 012 से जैसे 012 ये है, 012 जैसे दो निकलता है 12 वोल्ट का ही है लेकिन 012 है, ये कैसे डीसी बनेगा उसको भी बताऊंगा। और इसमें जैसे ये देखिए 1 2 3 जैसे 12 012 012 012 ही है, ये कैसे डीसी बनेगा। और यहाँ से जैसे 220 वोल्ट डायरेक्ट इसमें लगा लेंगे डायरेक्ट, और एक ब्रिज बना लेंगे हम लोग, इससे भी हम लोग को 12 वोल्ट कन्वर्ट होगा। 12 वोल्ट से कन्वर्ट से फिर हम लोग को 5 वोल्ट या 9 वोल्ट बनाना है। उसके लिए मेरे आईसी है 7800, 7805 है या 7809 है, ठीक है। दोनों से कैसे निकलेगा दोस्तों ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं अलग अलग सबको वीडियो को अलग अलग में बताऊँगा। इसको 12012 को अलग से बताऊँगा और ये अलग से, और ये इससे कैसे बनता है ब्रिज से डायरेक्ट 220 वोल्ट से, ठीक है दोस्तों। चलिए इसीलिए अलग अलग वीडियो बनेगा दोस्तों, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। सामान में बता दो क्या क्या लगेगा देख लीजिए। ये दोस्तों 400 वोल्ट 105 J, ठीक है। एक ये पीएफ लगेगा आप, ठीक है। और ये आपका एक ही रजिस्टर में हो जाएगा, आपको मिल जाए तो। मैं देखिए मैं कैसे क्यों लाल लाल पीला, लाल लाल पीला, ये मतलब 220 है के है, और 220 के मतलब 420 के बन रहे, ठीक है। एक साथ आपको मिल जाए तो एक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अलग अलग नहीं था इसलिए मैं अलग अलग इसको जोड़ लिया हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हो गया दो चीज़, एक जीनर जो 12 वोल्ट का है दोस्तों, ठीक है, 12 वोल्ट का जीनर, और चार डायोड, ठीक है, चार डायोड, ठीक है। ये 5399 आप लोग बोलेंगे कलर टीवी का डायोड दीजिए बोलेंगे ना तो दे देगा, कभी से भी दुकान में जाएंगे तो, ठीक है। देख लीजिए है, चलिए इसको कैसे बनाते मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे शुरू देखिए डायोड को कैसे करना है, ठीक है। देखिए डायोड ये है तो दोनों को देख लेना ध्यान से। ये प्लस देखिए यहाँ पास एक ये एरो दिखा रहेगा, ठीक है, एरो एरो, तो एक साथ इस दोनों को जोड़ देंगे। ये सामने साइड है प्लस है, मतलब एरो जो वाइट का होगा वो एरो मतलब प्लस का, तो इसको हम लोग ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है। ये जोड़ लिया, ठीक। फिर दूसरा को पकड़ेंगे, फिर क्या करना, फिर प्लस तो बन गया, माइनस बनाना हम लोग, तो माइनस देखना जो वाइट साइड था उसको दोनों साइड को छोड़ देना है। जैसे ब्लैक ब्लैक है देखिए, ये ब्लैक ब्लैक है दोनों साइड को, तो ब्लैक ब्लैक को जोड़ लेना। ये ब्लैक जोड़ लिए, ब्लैक जोड़ लिए, तो ये माइनस बन गया और ये हम लोग को प्लस बन गया। और इसको दोनों कैसा भी जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है, ऐसा करके कैसा भी जोड़ लीजिए। जैसे इधर से ये जुड़ गया और इधर से ये जुड़ गया, तो दोस्तों ये हम लोग का ब्रिज बन गया। ये ब्रिज देख लीजिए ना, ये ब्रिज बन गया जिधर हम लोग, ये देखिए वाइट ब्लैक ब्लैक है तो माइनस, और वाइट वाइट है, ये वाइट वाइट है तो प्लस, ठीक है। मैं जैसे बना लिया दोस्तों देख लीजिए, इसको ये बनाया हूँ देख लीजिए, ये देखिए हाँ, जैसे इसको भी देख लीजिए दोनों सेम है। ये देखिए ये वाइट और वाइट, ठीक है, ये प्लस हो गया, और ये ब्लैक और ये ब्लैक, ये माइनस हो गया, ठीक है। और ये एसी जैसे जो जो भी आएगा एसी हम लोग को 220 वोल्ट यहाँ आएगा, ठीक है। चलिए पीएफ को कैसे जोड़ते बताता हूँ। रेजिस्टेंस को उल्टा सीधा नहीं होता है दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस उल्टा सीधा नहीं होता है, इसको कैसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। पीएफ में ऐसे करके सीधा से इसको जोड़ देना है आप लोगों को, ये जुड़ गया, ठीक है। और फिर इसको जोड़ लेना है एक तरफ से, ये सिंपल जोड़ गया है, देखिए ऐसे सिंपल जोड़ना है, कुछ नहीं, आप लोग अच्छा से कर लेना, मैं जल्दी में थोड़ी जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए सिंपल बन गया, ये बन गया, ये चार डायोड था, ठीक है, अपना ये ब्रिज बन गया, ठीक है। तो जी सर व्हाइट व्हाइट था और ब्लैक ब्लैक था उसको छोड़ देना, और जिधर अलग कलर था जैसे ये देखिए अलग अलग कलर है इधर, जैसे अलग अलग कलर रहेगा, ये देखिए ये एक ब्लैक व्हाइट और ब्लैक है, तो ये एसी बन गया ब्लैक और व्हाइट, ठीक है, जैसे ब्लैक और व्हाइट,
ये इधर से ये जुड़ गया, इसमें एक ठो को जोड़ देना अपने को, ठीक है। अच्छा जोड़ लेना आप लोग, जोड़ लिए, ठीक है जोड़ गया, ठीक है। अब जो देखिए ये जैसे बीच में था ये प्लस, हम लोग जो प्लस बनाए थे ये प्लस दिखा देता हूँ, रुक लिए अच्छे से। देखिए जैसे ये प्लस और यहाँ माइनस है, ठीक है। ये प्लस और माइनस एक तरफ तो हम लोग इसको लगा चुके हैं, इसको लगा चुके हैं, और एक तरफ ये खाली है, जो एक तरफ ये खाली है, ठीक है, ये खाली है। तो एक तरफ ये प्लस है, ये माइनस है, जहाँ एरो दो ठो दिख रहा है ना वो एरो वो प्लस है, और जो एरो नहीं दिख रहा वहाँ माइनस है। इसको जोड़ लेंगे आप लोग, मीटर में देख लेना, यहाँ कुछ दाग रहेगा एक ठो, ठीक है, यहाँ एक ठो दाग रहेगा इसमें, तो वही प्लस साइड रहेगा। जैसे नहीं पसंद आ जाएगा तो मीटर में चेक कर लेना, यहाँ मीटर ले आना, मैं चेक करके बताता हूँ। कंटिन्यूटी में रख लेना उसको, ठीक है, जैसे ये कंटिन्यूटी है, एक्सटेंड में रख लेना, ठीक है, और इसको एक बता रहा देख लेना, फिर इसको रख लेना, प्लस साइड रहेगा तभी बताएगा दोस्तों। ये ऐसे रखना, ऐसा रहे, देखिए ये देखिए ये मतलब ये प्लस है, ये रेड है, रेड में आया तो देखिए कंटूटी बताया, तो मतलब ये प्लस, उल्टा रखेगा तो नहीं बताएगा। देखिए जैसे ये नहीं बता रहा, देखिए, और जैसे ये प्लस है ये माइनस है, ये बता लिया मतलब ये साइड प्लस, ये बता रहा है तो देखिए बता रहा है तो मतलब ये प्लस साइड है। तो प्लस साइड में कैसे करना है हम लोग को, जो एरो एरो दो साइड दिखा रहा था दोस्तों, ठीक है, एरो एरो दिखा रहा था उस साइड इसको लगाना अपने को। ये देखिए ये एरो और एरो, इसको ऐसे करके ये हो गया एक, और एक साइड ये हो गया, ठीक है। ये देखिए बस इतना ही था, और देखिए ये तो अभी फुल डीसी अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा मतलब बच्चा, जो हम लोग जैसे कैपेसिटर लगाएंगे तो फुल डीसी हो जाए, जैसे छोटा पाइप है तो छोटा कैपेसिटर लगे, जैसे यहाँ पास थोड़ा हैवी लगाना तो हैवी लगा सकते हैं, यहाँ उतना कुछ नहीं है। मैं इसको कैपेसिटर को लगा लिया, ये प्लस माइनस यहाँ जोड़ लिया हूँ, ध्यान रखना दोस्तों जो मार्कर रहता है वही माइनस रहता है, ठीक है, माइनस जोड़ लिया, वाइट माइनस ये प्लस है, ठीक है। मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ, जैसे ये बन गया था हम लोग जीनर का, जिसे जो वाइट साइड था, दोनों वाइट वाइट था, वो प्लस है, तो मैं प्लस साइड को जोड़ लेता हूँ। मैं प्लस साइड को जोड़ लिया हूँ, देखिए प्लस साइड को जोड़ लिया, और एसी ये और ये एसी मेन एसी 220 वोल्ट जाएगा दोस्तों, ठीक है, 220 वोल्ट। इसी के लिए मैं वायर कहाँ रखा था, ओके, मैं इसी के लिए वायर खोज लेता हूँ, आगे कहाँ रखा हुआ है, भाग ही जाता साला इधर, ओके दो मिनट खोज लेता हूँ। देखिए एसी के लिए, एसी के लिए वायर है दोस्तों, ये मेन एसी 220 वोल्ट, ठीक है, एक यहाँ जुड़ेगा और एक क्या है, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा छूना मत क्योंकि ये थोड़ा डेंजर है, यहाँ करंट शॉक मार सकता है आपको, ठीक है। देखिए ये जुड़ गया, और ये जो है ये दोनों पार का जो मेन 220 वोल्ट में जाएगा एसी आपका, जो भी चीज़ है 220 वोल्ट में, ठीक है। इसको मैं 220 वोल्ट में लगाता हूँ, मैं आपको मीटर में चेक करके ही बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया, देखिए मीटर है, ठीक है, मैं मीटर में बताता हूँ इसको, मैं आगे कंटिन्यूटी को मैं 50 वोल्ट में कर देता हूँ, ठीक है, 50 वोल्ट में कर लिया, ठीक है, कंटिन्यूटी हो गया। अब मैं इसको लगा देता हूँ एसी में, मैंने एसी में, ठीक है, मैंने एसी में लगा लिया दोस्तों में, ठीक है। अब ये देखिए चेक कर लेता हूँ, जिस साइड एरो एरो था वाइट वाइट, उसको चेक करना, देखना कितना वोल्ट आया दोस्तों, ये एक देखिए उल्टा, सॉरी, देखिए 12 वोल्ट बन रहा है, देखिए 12 वोल्ट है। मैं इसको भी आप लोगों को बल्ब में चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे ये है,
देखिए ये बल्ब है दोस्तों 12 वोल्ट का ये वाला, ठीक है मैं इसको जला के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए जो यही है कैपेसिटर से निकला है, ये वायर दे दीजिए थोड़ा सा, जो वायर है देखिए ये वायर है, ये कैपेसिटर यही है कैपेसिटर से निकला हुआ, ठीक है देख लीजिए लगाता हूँ मैं। ये देखिए मैंने ये प्लस में प्लस को जोड़ ले रहा हूँ, ये माइनस है, कैपेसिटर चार्ज था इसलिए थोड़ा जल रहा है, ठीक है ना देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए कैपेसिटर का वायर यही है, और देखिए कैपेसिटर का वायर ये देखिए ये जुड़ा हुआ है ना, कहीं नहीं गया है, ये देखिए ये जुड़ा हुआ है इधर से, ठीक है मैं आप लोगों को अब जला के दिखाता हूँ, ठीक है देख लीजिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से। ये मैंने इसी 200 वोल्ट लगाता हूँ मैं, देखिए दोस्तों जलने लगा, ठीक है दोस्तों 100% ये काम करेगा। मैं ये जो भी चलता है उसी की यूज करके अपने चैनल में डालता हूँ, जितने भी मेरे वीडियो के बारे में दोस्तों कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे चैनल के अबाउट मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों, इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं मेरे को कॉल करके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना ना भूले दोस्तों, ठीक है धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।